नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार चारी और एंडेवर प्रेम में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि कुछ दिनों पहले लगातार समाचार पत्र के माध्यम से हमें ये न्यूज़ मिलती आ रही है कि केरला में मम्स के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या कारण है मम्स के रोगियों की संख्या बढ़ने का, जो केरला में इस तीव्र गति से देख रहे हैं, और ये क्या एक भयानक समस्या का रूप ले सकती है या नहीं ले सकती है? वैज्ञानिकों का इस संबंध में क्या कहना है, डॉक्टरों का क्या कहना है, और ये जो मम्स डिसीज़ है वो किस प्रकार की डिसीज़ है, ये रोग आपको किस प्रकार से हतोत्साहित कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्या इसके समस्या के समाधान हैं, क्या उपाय हैं, और इस संबंध में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा केरला में रोगियों की संख्या बढ़ने पर हम हाइलाइटेड रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो देखें सबसे पहले हम इस न्यूज़ के माध्यम से आपके लिए कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि इस पूरे मामले को जानने के प्रयास में ये देखेंगे कि आखिरकार ये स्थिति कैसे और कहाँ से उत्पन्न हो रही है। फिर हम ये जानेंगे क्या ये एक चिंता का विषय है कि इस तरह के रोग, जैसे कि हमने कुछ समय पहले कोरोना को देखा, और कोरोना को हमने देखा क्या, कोरोना ने हमको देखा, और हमने कोरोना से किस तरीके से अपने आप को बचा के रखा ये हम ही जानते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हमें ये क्या इतनी बड़ी समस्या बन सकती है, क्या ये समस्या बनेगी तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उपाय हैं या नहीं है, इन सब बातों पर हमें चर्चा करनी है। फिर हम देखेंगे ये मम्स डिसीज़, यानी कि इसको हिंदी में आप जब गाल सूज जाते हैं तो गलसुआ भी बोलते हैं, कुछ हिंदी भाषी राज्यों में इसको कंठमाला भी कहते हैं, या गलसुआ कह लो, चाहे कंठमाला कह लो, या मम्स कह लो, ये डिसीज़ एक्चुअल में क्या है इस पे चर्चा करेंगे, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जो कि आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 7 के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित एक अहम हिस्सा है जिसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसके उपाय हैं, और इससे संबंधित आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए स्टार्ट करते हैं इस मुद्दे को जानने के लिए कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। ठीक, क्या है पूरा माजरा? तो मम्स या गलसुआ या कंठमाला, कंठमाला हिंदी में, या गलसुआ यानी कि गाल के सूज जाने वाले रोग को हिंदी में गलसुआ कहते हैं, इसी को एक अन्य नाम दिया गया है कंठमाला, और इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं मम्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि मम्स नाम का एक वायरस होता है, उस वायरस से ये रोग होता है, इसीलिए इसको मम्स रोग भी यानी कि मम्स डिसीज भी कह देते हैं। ये जो मम्स रोग है वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये लगातार फैलता है, छींक के माध्यम से, खांसने के माध्यम से, रोगी के संपर्क में रहने से, उसकी वस्तुओं का उपयोग करने से ये दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। जो ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो मुख्य रूप से बच्चों में ही होता है, लेकिन आजकल इसकी स्थिति हम देख रहे हैं तो बच्चों के साथ साथ किशोरों में, यानी कि 18-19 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनमें भी इसकी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों हम देखें तो केरल में जैसे जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लगने की स्थिति के माध्यम से वैसे ही तीव्र गति से केरल में ये फैल रहा है। केरल में कैसे फैल रहा है? जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे ही केरल में कुछ महीनों के पहले अगर हम देखें तो लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण के कई राज्यों में इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और केरल में सबसे ज़्यादा इसको देखा गया है। ठीक है, केरल के मल्लपुरम और कोझिकोड जिले में नवंबर 2023 के आसपास इसके छुटपुट रोगी आना स्टार्ट हुए थे, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो परिणाम स्वरूप लगभग 22 मार्च तक अगर हम देखें तो लगभग 15,637 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं केवल केरल में, और ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा था, कोरोना के बढ़ने से हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मच गई थी, उसी प्रकार से कहीं ये संकेत वो तो नहीं है,
इस चीज का समझना बहुत आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को डर है कि मामले में इस तरह से अनियंत्रित वृद्धि कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या का रूप धारण ना कर ले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक मुद्दा न बन जाए, इसलिए हम इसके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ये समझते हैं आखिरकार ये है क्या, क्या ये चिंता का विषय है? बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि अगर हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो ये चिंता चिता चिता बना देगी और कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक गंभीर संकट पैदा कर देगी। अगर हमने शीघ्र ही इस पर नियंत्रण नहीं किया तो जिस तरह से कोरोना ने महामारी का रूप धारण कर लिया था, वैसे ही कल को ये आपका मम्स एक भयानक समस्या के रूप में सामने आ सकता है। और ये मम्स जो वायरस है उसका डायग्राम है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मम्स आखिरकार होता क्या है। मम्स एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग जो होते हैं वो जन्मजात रोग नहीं होते हैं, वो उपार्जित यानी कि जन्म के बाद होने वाले रोगों के अंतर्गत शामिल होते हैं। और उपार्जित रोगों के अंतर्गत संक्रामक एक ऐसे रोग होते हैं जो किसी रोगी के संपर्क में रहने से स्वस्थ व्यक्ति में भी इसका संक्रमण फैल जाता है। ठीक, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी एक व्यक्ति के मुख के आसपास तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं, जिसमें से ये जो ग्रंथि है इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। जब किसी व्यक्ति को मम्स डिसीज होती है तो मम्स डिसीज के अंतर्गत, मम्स या इंग्लिश में, हिंदी में उसको गलसुआ या कंठमाला कहते हैं, जो कि एक वायरल डिसीज है, उसके होने से आपके शरीर के अंदर यही जो लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड वो सूज जाती है। और लार ग्रंथि के सूजने से क्या होता है, शरीर के अंदर बुखार, शरीर के अंदर दर्द, शरीर के अंदर जकड़न, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो कि एक विशेष प्रकार के वायरस से होती है। तो मम्स वायरस के होने का कारण मम्स वायरस, मम्स को हिंदी में गलसुआ या कंठमाला कहते हैं, जिससे प्रभावित अंग है आपकी पैरोटिड लार ग्रंथि जो कि यहाँ कान के नीचे पाई जाती है। डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रही होगी, ये है आपकी लार ग्रंथि। ठीक, तो ये एक मम्स वायरस है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी और अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ये है आपकी लार ग्रंथि जो कि सूज जाती है। ठीक है, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तीन होती हैं, जिनमें से सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड। लार ग्रंथि से लार निकलती है जो कि पीएच वैल्यू उसका 6.8 के आसपास होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है, भोजन को पचाने में सहायक होती है, मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपस्थित स्टार्च को पचाकर वो उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। लेकिन जब मम्स डिसीज हो जाता है तो ये सारी स्थितियां शिथिल हो जाती हैं और केवल केवल दर्द होता है। ठीक, तो चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके लक्षण की। लक्षण में आप देख लें, पैरोटिड ग्लैंड सूज कर मोटी हो जाती है। इसके मोटे हो जाने से बच्चों में या किशोरों में बुखार, सिर दर्द आदि समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ चेहरे में दोनों तरफ जो लार ग्रंथि उसके सूजने से क्या होता है, दर्द पैदा होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे उसमें सर दर्द हो रहा है, उसमें बदन दर्द हो रहा है, उसमें खांसी आ रही है, उसमें फीवर आ रहा है, उसमें जुकाम हो रहा है, ये सारे लक्षण आम तौर पे आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। ठीक, इसकी बात करते हैं इसकी इलाज पर चर्चा, क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल इसका इलाज है। इसका इलाज है एक वैक्सीन, और इस वैक्सीन का नाम है MMR। यहाँ पे MMR यानी कि M फॉर खसरा, मतलब मिसिल्स, मम्स एंड रूबेला वायरस, तीन प्रकार के वायरल डिसीज जिसमें आपका मिसिल्स है यानी कि खसरा है, मम्स है यानी कि मम्स हिंदी में गलसुआ, और तीसरा है रूबेला वायरस। इन तीनों वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन आती है जिसका नाम है MMR, और इस वैक्सीन के लगवाने से बच्चों के अंदर ये रोग नहीं होता। अगर होता भी है तो इसके लक्षण बहुत माइन्यूट होते हैं, इससे स्वास्थ्य पर ज़्यादा गंभीर प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर ये वैक्सीन नहीं लगवाया है तो ऐसी स्थिति में बच्चों में इसके गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि गंभीर स्थिति पैदा करने पर जानलेवा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टीकाकरण है इसको अवश्य करवाएं, जिससे अपने बच्चों की जान बचाई जा सके। ठीक है, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न का, और ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से घोर इम्पोर्टेंट है। आपने इसको ध्यान से देखा होगा, इस प्रश्न को, इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। मम्स एक संक्रामक रोग है जो कि जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या इनमें से किसी से नहीं होता। किसी न किसी से तो होता होगा,
वीडियो अपन ने अच्छे से देखा है तो इसका उत्तर इस वीडियो के अंदर है। इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें और उसके बाद अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, जय हिंद। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए।